चंपारण में लेह लद्दाख, समझ रहे हो, मतलब बुझे कि नहीं। लोग कहते हैं चंपारण का मटन वर्ल्ड फेमस है, पर चंपारण में बहुत कुछ फेमस है, आइए उसका नमूना दिखाते हैं। केसरिया स्तूप पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पे है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ते कुछ ऐसे हैं, नजारे कुछ ऐसे हैं। रास्ते में मिल जाता है बाढ़ का पानी। वाटर क्रॉसिंग हो रही है हमारी, लेह लद्दाख बना रखा है ऐसे। चंपारण में लेह लद्दाख, समझ रहे हो, मतलब बुझे कि नहीं। भाई देखो दूसरा वाटर क्रॉसिंग, मतलब समझो प्योर लेह लद्दाख बना हुआ है भाई। मतलब इतना वाटर क्रॉसिंग तो वहां पे भी नहीं देखने को मिलेगा जितना यहाँ पे है भाई। नदियाँ बह रही हैं गांव में। बिहार में हम आपको केरल दिखाएं, सामने देखिए ये है बिहार का केरल। भाई साहब ये केरल वेरल कुछ नहीं है, बाढ़ का पानी है बहुत ज़बरदस्त। नदी वहाँ आई डोंट नो मतलब उन पेड़ के पीछे उधर दूर कहीं नदी है, उसी का पूरा पानी आ रहा है। भगवान जाने रोड कैसे सूखा हुआ है, रोड के उस तरफ भी पानी है, पानी ही पानी है, इस तरफ भी पानी ही पानी है। तो ऐसे आपको मज़ा नहीं आने वाला है, मतलब ऐसे तो दाएं में भी पानी है बाएं में भी पानी है, हम लोग जा रहे हैं तो कुछ ऐसा इतना पानी आएगा? हमने बिहार में एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। आप देखिए मैं आपको दिखाऊं रोड के इस तरफ पूरा पूरा जलाशय भरा हुआ है, पता नहीं कितनी दूर तक हमारी नजर जहां तक पहुंच रही है वहां तक पानी पानी दिख रहा है। ये बीच में सड़क है, भगवान जाने कैसे सूखा हुआ है। केसरिया का यहाँ बोर्ड लगा है और बोर्ड के बाद क्या दिख रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, चारों तरफ पानी पानी जहाँ तक आपकी नजर जाए। गोवा का बीच है भाई साहब, गोवा का बीच बना रखा है यहाँ पे। तो भैया जी हम लोग आए हैं यहाँ पे केसरिया स्तूप घूमने और बहुत दिनों से प्लान हो रहा था तो सोचा कि क्यों ना एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो नज़ारे कुछ ऐसे हैं पीछे आप देख सकते हो, तो लेट्स होप कि ये वीडियो बहुतों को पहुंचे क्योंकि बहुत ही हिस्टोरिकल बातें इसमें हैं और बहुत ही मज़ेदार ड्रोन शॉट्स भी, तो देखिए और फील कीजिए। तो भैया जाहिर सी बात है ये टूरिज्म स्पॉट बन चुका है तो इसका देखभाल बिहार टूरिज्म बोर्ड करता है, लेकिन इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं जो कि लाइट है ही नहीं, मतलब तोड़ दिया गया है ऐसे समझ लीजिए, और बहुत ही हालत इसकी बहुत ही ख़राब है। पूरा हर जगह पानी ही पानी है, आपको ड्रोन शॉट्स में आप देख ही लिए होंगे, तो हर जगह पानी ही पानी है। पीछे की तरफ अभी खुदाई नहीं हुई है, 50-60% अभी खुदाई नहीं हुआ है, और अभी ये सामने का जो इंटरफेस है वो आपको दिख रहा होगा, ये सामने की तरफ का सीन है। तो ये एक धरोहर है हम लोग का और प्राउड की बात है जो कि हमारे चंपारण में है ये। तो भैया यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है जिसका हाइट 104 फीट है।
इंडोनेशिया में भी एक बौद्ध स्तूप है जिसका नाम है बोरोबुदुर। उसका हाइट अप्रॉक्स 103 यानी 103 फीट है, तो उससे एक फीट ये ऊंचाई है। मतलब देख रहे हो, प्राउड लेवल देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल है, बुझे कि नहीं। ब्लॉगर के लाइफ में यही होता है भाई, देख सकते हो मेहनत, तो मेहनत रंग लाएगी एक ना एक दिन। देख सकते हैं मूर्ति जो आप देख रहे हो ना, ये वही मूर्ति है जो कि खंडित हो चुकी है, वो आपको ड्रोन से दिखाया जाएगा, तो देखिए और मिलते हैं कुछ देर में। भैया यहाँ पे हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करेंगे और ऊपर चढ़ के वहाँ से कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे और कुछ फोटोग्राफ्स, तो वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी सब कुछ मना कर दिया गया है कि नहीं उधर नहीं जाना है। और ये पीछे हमारे देख सकते हैं हमारे धनंजय भैया द डीजे द एक्सप्लोरर, तो इनका भी चैनल आप विजिट कर सकते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम ड्रोन शॉट्स ड्रोन फुटेज आपको देखने को मिलेगा और इनका भी ब्लॉग आने वाला है, तो जाइए इनका चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर से विजिट कीजिएगा और इस वाले ब्लॉग पे भी थोड़ा प्यार बरसा दीजिएगा, कुछ और मत बरसाइएगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है बिहार है ये। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमने सोचा था कि भैया ऊपर चढ़ेंगे कुछ मौज वगैरह करेंगे, लेकिन मना कर दिया भाई साहब, सामने से मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग हमारे पास छोटा चेतन है तो हम ड्रोन से आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारे हैं भाई। पीछे छोटे छोटे टुकड़ों में जो आप मूर्तियां देख रहे हैं वो शायद आपको दिखाई ना दे होती हो, तो वो ड्रोन से देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी खुदाई में ये निकला है एक, ये मिट्टी का मतलब टीला हुआ करता था, तो जब इसका खुदाई हुआ तो ये निकल के आया और काफ़ी सुंदर प्लेस है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो भैया ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ अच्छी बनी होगी, अगर अच्छी बनी है तो आप प्यार बरसाइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो के साथ जो भी कुछ करना है आप कर सकते हैं, तो मिलते हैं फिर तड़कते भड़कते ब्लॉग में।